देख सकते हैं हमारे पीछे चिड़ियाघर पटना जू, जिसके अंदर अभी पता नहीं कौन कौन सा जानवर को और ऐड किया गया है इसके अंदर, जो कि आपको इस वीडियो में लास्ट में जरूर पता चलेगा कि इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्योंकि हम काफी दिन के बाद यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं। और आज तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अपना टिकट को परचेज कर लिया और जिसकी प्राइस हमें 30 रुपया पड़ी है, और अंदर जाके फिर हम इसे घूमते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि काफी बड़ा है चिड़ियाघर, वाकई में बहुत बड़ा है ये, जो कि हमारे बेली रोड के जस्ट नजदीक में ही बना हुआ है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा जानवर को इसमें और बढ़ाया गया है। तो ये रहा हमारा पीछे एंट्री गेट और चेकअप होगा, उसके बाद हम सीधा अंदर जाएंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये शेर अभी सोया हुआ है, काफी ज्यादा गर्मी हो रही के कारण, और इतना ज्यादा गर्मी में तो आदमी सो जाता है, ये तो जानवर है। चलिए देखते हैं, कुछ मजा ज्यादा नहीं आ रहा है यहाँ पे। और गर्मी में आते हैं तो आप ये देख रहे हैं अंकल जी को, जो कि निःशुल्क पानी पिला रहे हैं यहाँ पे, जो कि गर्मी में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए कुछ जानवरों को देखते हैं और आपको बताते हैं। आप देख पा रहे हैं कि अत्यंत गर्मी होने के कारण जितने भी मतलब जानवर वगैरह हैं आपको मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग विश्राम कर रहे हैं, और ठंडा और गर्मी इतना ज्यादा है कि क्या कहिएगा। और कितना देर तक बेचारा घूमते रहे एक पिंजरे में बंद शेर, और पता ना कौन सा जानवर है। हमें तो अभी तक एक शेर को छोड़ के कुछ नहीं दिखने को मिला है, जो कि आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं। और ये बंद पता नहीं क्या कौन सा जानवर है, लिखा भी नहीं गया है, यहीं पर लिखा हुआ है कि कोई भी जानवर मतलब सोया हुआ एकदम है, जिससे कि हम देख नहीं पा रहे हैं ठीक से। और यहाँ पे शुतुरमुर्ग आप पीछे हमारे देख सकते हैं, जो कि अभी थोड़ा घूम रहा है, शुतुरमुर्ग ही है, जो कि यही एक जगह हुआ है, बाकी बात तो सारे सोए। तो देख पा रहे हैं ये भालू है, जो कि अभी जगह हुआ है और आराम कर रहा है। देख पा रहे हैं दोस्तों भालू को, क्योंकि ये लोग भी थक चुके हैं लग रहा है, पिंजरे में बंद बंद देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ खा वगैरह। आपने बचपन में जरूर सर्कस में देखा होगा इससे, अरे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इतना बड़ा, क्योंकि काफी बेहतरीन और अच्छा लगता है इसका ब्लैक ब्लैक बाल, एकदम प्यारा सा लग रहा है। पता नहीं इससे पहले तो मैंने नहीं देखा हूँ इस पक्षी को, पहली बार देख रहा हूँ वो भी चिड़ियाघर के अंदर, पर इसके अंदर सारा इन्हीं को रखा गया है। और बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ, इनकी पूंछ देख सकते हैं दोस्तों, पंख पीछे कितना अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों इधर भी आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या नाम है, सिल्वर फिजेंट, वही गोल्डन था दोस्तों और ये सिल्वर है, बस इतना ही फर्क है। और ये दोस्तों मोर, माँ सरस्वती का सवारी, जो कि अभी पंख को तो शायद आप देख पा रहे होंगे, मोर ने अपना पंख को फैलाया है और काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, वाह। दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा शायद, ताकि काफी दूर होने के कारण वीडियो। दोस्तों देख पा रहे हैं कछुआ को आप इस कैब्स में, जो कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखा गया और काफी ज्यादा है, छोटे छोटे काफी क्यूट लग रहे हैं। दोस्तों आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि सारा जानवर जो है नील गाय और हिरन, हिरन है इस कैप्स में, जो कि पूरा साइड्स में जा चुके हैं ठंडा में, जो कि अभी देख ही पा रहे हैं कि कितना ज्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे, इसी कारण ये लोग उधर ही है, पूरा बरसिंगा जिसको बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम ज्यादा बहुत ही कम मतलब। दोस्तों ये पीछे आप रास्ता देख रहे हैं जहाँ पे स्नेक सांप घर जाने का रास्ता लिखा गया, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा। तो शायद आप देख पा रहे होंगे मोर ने अपना पंख को फैलाया है और काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, वाह। तो आपको दिख पा रहा होगा शायद, ताकि काफी दूर होने के कारण वीडियो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, और अगर आप आंख से देखें तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। दोस्तों देख पा रहे हैं ये कछुआ को आप इस कैब्स में, जो कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखा गया और काफी ज्यादा है, छोटे छोटे काफी क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मांसपेशियां होती है काफी मजबूत होती है, देख पा रहे हैं दोस्तों। पा रहे हैं यहाँ पे जिराफ, जो कि काफी ज्यादा है, और एक बैठा हुआ है एक खा रहा है, काफी बेहतरीन मतलब स्टेच्यू की तरह लग रहा है, एकदम हिल नहीं रहा है, एकदम मुंडी है उसका देखें आपको पता नहीं चलेगा ओरिजिनल है स्टेच्यू, बहुत ही बेहतरीन है, और इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा है।
दोस्तों आप देख पा रहे हैं चार हम यहाँ पे जिराफ आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे जब आते हैं तो आपको सारा चीज़ लिखा हुआ मिलता है। और इसका खाने का देख रहे हैं दोस्तों कितना ऊंचा रखा गया, क्योंकि इसका गर्दन ही सबसे बड़ा है, तो नीचे बैठ के खाना उचित इनके लिए नहीं होगा। और उधर इसका बच्चा है पीछे।